कह दिया नागार्जुन ने फिल्म को लेकर, क्या राजा मौली करेंगे फिल्म को प्रेजेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी अग्रवाल और आज हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह है। अयान मुखर्जी की ये आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र का टीजर लॉन्च किया है, जिसमें हमें रणबीर कपूर खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में एक त्रिशूल है, जिसे देख दर्शकों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी और इसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र की कहानी को लेकर दर्शक लगातार अंदाजा लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि अयान मुखर्जी की आने वाली ये फिल्म आखिर किस कहानी पे बेस्ड है। फिल्म के कलाकार नागार्जुन ने हाल ही में एक मीडिया पोर्टल पे फिल्म का मेन प्लॉट रिवील कर दिया है। इस फिल्म की चर्चा के दौरान नागार्जुन ने बताया है कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है और इस फिल्म में आज के वक्त और वैदिक पीरियड की खूबसूरती को मिक्स किया गया है। चर्चा के दौरान नागार्जुन ने यह भी बताया कि मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इसमें एक 5000 साल पुराने अस्त्र की कहानी है। नागार्जुन की बात से ये साफ जाहिर होता है कि इसी अस्त्र के पीछे फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया है। 5000 साल पुराने इसी अस्त्र को इस्तेमाल करके रणबीर कपूर दुनिया की रक्षा करेंगे। फिल्म ब्रह्मास्त्र को करण जौहर के बैनर तले बनाया गया है। खबरें ये हैं कि इस फिल्म को 3 अलग अलग पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जिसपे लगभग 500 करोड़ रूपए तक का खर्चा आएगा। फिल्म ब्रह्मास्त्र को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जाएगा। साउथ में इसे डायरेक्टर राजा मौली प्रेजेंट करेंगे, जिन्होंने बाहुबली सीरीज बनाई थी। फिल्म के स्टार्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री के लिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ये फिल्म उनके लिए काफी बड़ी टेस्टिंग होगी। ऐसे में फिल्म को साउथ इंडस्ट्री में अच्छी रीच मिले, इसीलिए निर्माता निर्देशक करण जौहर ने राजा मौली से अपने हाथ मिलाए हैं। राजा मौली ने फिल्म ब्रह्मास्त्र को साउथ भाषाओं के हर वर्जन में पेश करने की जिम्मेदारी उठाई है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजा मौली ने कहा कि मैं फिल्म ब्रह्मास्त्र को दर्शकों के बीच में पेश करने में और इस टीम का हिस्सा बनने में बहुत खुश हूँ। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, जो इसकी कहानी और प्रस्तुति में साफ दिखता है। ये फिल्म कई तरह से मुझे बाहुबली की याद दिलाती है, एक प्यार और जुनून की कहानी। मैंने अयान मुखर्जी को इस फिल्म में अपना वक्त और जुनून लगाते हुए देखा है, जैसा मैंने बाहुबली के वक्त किया था। राजा मौली, करण जौहर, अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ इस खास इवेंट में नजर आए थे, जहां पे ये मेगा अनाउंसमेंट की गई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे यही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राजा मौली और करण जौहर की आने वाली इस फिल्म को लेकर आपके क्या व्यूज हैं। धन्यवाद।